हे गाइस, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्फिनिट कलर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईपीयू के पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईपीयू में पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करवाए जाते हैं, उनमें सीट्स कितनी हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन कैसे होता है, कट ऑफ कितनी जाती है। इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जानने के लिए आज का वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीयू में पैरामेडिकल के अंदर मेनली 5 कोर्सेज करवाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी, ये एक 4.5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स यानी कि बीपीओ, ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि बीओटी, ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है। फोर्थ नंबर पे आता है बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसका मतलब होता है बीएससी एमएलटी, ये 3 साल का कोर्स होता है। और सबसे लास्ट में आता है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी यानी कि बीएएसएलपी, ये 4 साल का कोर्स होता है। तो आईपी में मेनली यही 5 कोर्स करवाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहली चीज, तो आप क्लास 12 पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और साइंस में भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी हुई हो, और इन तीनों सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपने इंग्लिश भी पढ़ी हो, और इन सभी सब्जेक्ट्स में आप पास भी होने चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स में अलग अलग आपको पास भी होना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी जो उम्र है वो 21 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप में सारी एलिजिबिलिटीज हैं तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप यहां एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आईपीयू में पैरामेडिकल के ये कोर्सेज कौन कौन से कॉलेजेस में करवाए जाते हैं और इनमें सीटें कितनी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीओ के बारे में यानी कि बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स कोर्स के बारे में। दोस्तों, ये 4.5 साल का कोर्स होता है और ये आईपीयू के सिर्फ 2 कॉलेज में ही करवाया जाता है। सबसे पहले नंबर पे आता है ISIC इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सेक्टर सी, बसंत कुंज में ये कॉलेज है आपका। इसमें टोटल 25 सीटें हैं बीपीओ के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, इसमें टोटल 16 सीटें हैं। इसके बाद बात करते हैं बीपीटी कोर्स के बारे में। इसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये 4.5 साल का कोर्स होता है और इसको करवाने वाले भी आपके 2 कॉलेज हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, इसमें टोटल 60 सीटें होती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ISIC इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, इसमें टोटल 50 सीट्स हैं, 50। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले कोर्स की, वो है BSc MLT यानी कि बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये 4.5 साल का कोर्स होता है और इसको करवाने वाले भी आपके 3 कॉलेज हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर 9 द्वारका में ये कॉलेज है, इसमें टोटल 30 सीट्स हैं यानी कि 30 सीटें हैं। सेकंड नंबर पे आता है कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हिंदू राव हॉस्पिटल, इसमें भी टोटल 30 सीट्स हैं। और थर्ड नंबर पे आता है वर्धमान महावीर कॉलेज, इसमें टोटल 25 सीट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले कोर्स की जिसका नाम है BASLP। दोस्तों, ये सिर्फ एक ही कॉलेज में करवाया जाता है जो कि है अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी हियरिंग हैंडीकैप। दोस्तों, इस कॉलेज में BASLP की टोटल 20 सीट्स हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने लास्ट कोर्स की जो कि है BOT। इसको करवाने वाला भी सिर्फ एक ही कॉलेज है और वो है ISIC इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, इसमें टोटल 25 सीट्स हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये 5 कोर्सेज कौन कौन से कॉलेजेस में करवाए जाते हैं और उनमें सीट्स कितनी हैं। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी, आप वहां से भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आईपीयू में पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको आईपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जो कि मार्च के महीने में निकलता है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि IPU CET कहा जाता है। ये एग्जाम सभी 5 कोर्सेज के लिए, पैरामेडिकल वाले कोर्सेज के लिए एक ही एग्जाम होता है और वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। उस एग्जाम को देने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा और आपको देखना होगा कि आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी फिर काउंसलिंग करवाई जाती है, और काउंसलिंग में आपको जाना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, और उसके बाद फिर आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, काउंसलिंग कैसे होती है इसके लिए एक नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि काउंसलिंग होती कैसे है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हमें देख लेते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो दोस्तों, ये पूरा एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है।
इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं और पूरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। इसमें एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पर 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोस्तों, इस एग्जाम में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन और बायोलॉजी से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और पूरा पेपर आपका 400 मार्क्स का बन जाता है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है और इसकी जो कट ऑफ है, मैंने उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाके आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं कि इसकी फीस कितनी है और इसकी कट ऑफ जाती कितनी है। तो ये चीजें आप लोग वहां से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।